वेलकम बैक टू वन एस मिस गाइस चैनल। ये जो मेरे हाथ पे है ना, इसको शिकंजी बोलते हैं। जो शॉप पे लिखा हुआ है शिकंजी, जो लिखा हुआ है शिकंजी, एक्चुअली ये एक नींबू पानी है जिसमें सोडा और आइस मिलाते हैं, थोड़ा सा मसाला मिलाते हैं। हमारे एसमिस में अखमेर जो नेमू टेगा पानी है, मैंने नेमू टेगा आम जो रस जो खाऊँ जो अलग चेनी और निमख मिला पे सीटर निचना टेस्टी एक्जेक्टलि नीमान यूर टेस्ट बेलेग और आम टेस्ट बेलेग। अबियसलिम टेस्ट तो ये भाग हम लोग का एसमिस वाला जो नींबू पानी है उसका टेस्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पर हम लोग ताज़ी नींबू यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो रेगुलर गोल वाला नींबू है वही यूज़ करते हैं। ये काफ़ी फेमस शॉप है। ये यमुना का जो ब्रिज है ना, यमुना ब्रिज के आर पार है, मतलब चार शॉप है। ये एक है, इसके बाद एक है इसी रोड पे और दूसरी तरफ भी दो रोड ऐसे, मतलब दो शॉप और है। तो ये नींबू पाना काफ़ी ये ऐसा है, देखने में कुछ ऐसा है, देखिए। और बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मतलब शिकंजी इज़ लाइक वेरी रिफ्रेशिंग। जब आप लोग कभी थकान वकान होता है, ऐसे जैसे हम लोग आसाम में नींबू पानी पीते हैं, ये शिकंजी जब पियोगे बहुत मतलब क्या है कि रिफ्रेशिंग होता है। तो ये जो शॉप है काफ़ी फेमस है, इसमें थोड़ा सा जानकारी के लिए कुछ कुछ सवाल पूछते हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो भैया से पूछते हैं कि यहाँ शॉप का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये है नेशनल हाईवे जो मेरठ के लिए जाता है और ये है वो शॉप। अब भैया के पास जाते हैं, भैया से ये जो भी रेट्स वगैरह है यहाँ पे लिखा हुआ है, शिकंजी का 60 रुपये स्पेशल कुलार चाय, 30 रुपये स्पेशल पनीर पकोड़ा, 130 मिक्स पकोड़ा, 100 रुपये। भैया आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल क्या होता है? सेल सबसे ज़्यादा पनीर पकोड़ा, पनीर पकोड़ा होता है, पनीर पकोड़ा शिकंजी। अच्छा, और ये आपका जो शॉप है, मतलब इससे तो चार मुझे दिखाई दे रहा है, कितने साल हो गया इसको? जी इसे 4 साल हो गया जी, क्योंकि मैं हाँ ये लॉकडाउन से पहले ही खुला था और बीच में लॉकडाउन में तो बहुत बंद हो गया। बहुत पहले खुला था ये। अच्छा जी, 4 साल तो फिर अब लॉकडाउन कोई 3 साल तो हो ही गया। 2 साल हुए, 2020 में आया था ये, 20 या 19 का, 20 में आया था, 20 ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अजीब है। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कितने बजे आते हैं? कितने बजे सर? 4 से लेकर के 8 बजे तक बहुत भीड़ होता है, मैंने भी देखा है, बहुत देखा है। हो सके तो मैं शाम को भी एक वीडियो करने की कोशिश करूँगा कि इतना भीड़ होता है कि यहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह नहीं होता है ना। हाँ जी जी, ऐसा होता है। ओके, तो आप लोग का वैसे दिन में कितना बिक्री होता है, मतलब अगर एक अमाउंट बता पाओगे, मतलब पैसा एक दिन में कितना लगभग? सर ये तो मैं खैर नहीं बता सकता, लेकिन जो भी है जो सेल है, ठीक है सर, काफ़ी अच्छा है। हाँ जी अच्छा ही है, खाली दिन में थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, ये नेशनल हाईवे कौन सा है? ये हाईवे, हाँ नेशनल हाईवे कौन सा? मेरठ एक्सप्रेस से है ये। अच्छा, और ये जो हाईवे पड़ता है ये निज़ामुद्दीन, यानी निज़ामुद्दीन निज़ामुद्दीन। और ये जो चार शॉप है ना, ये सब एक ही मालिक है? जी एक ही ओनर। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम गोलू हुआ। गोलू है, गोलू जी आप दिल्ली के रहने वाले? नहीं मैं बिहार के रहने वाला। बिहार कहाँ का? छपरा डिस्ट्रिक्ट से। क्योंकि मैं अभी आसाम से, मैं अपने आसाम से यहाँ तक स्कूटी लेके आया। अच्छा, हाँ जी, ये पूरा आपका ये अररिया लखनऊ वखनऊ सब पार करके आया, सब पार करके आया। तो ये जो मेरा चैनल है, अगर आप लोग खोलोगे तो आप वहाँ दिखाई दे। अच्छी बात है। मैं अपने डॉगी के साथ ट्रैवल करता हूँ, आज तो डॉगी को ला नहीं पाया, मुझे अच्छा लगा, हम थोड़ा एंजॉय करते हैं फिर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। तो भैया से मिल लिए। बोल क्या खाना है बता, कौन सा दिखा दे, यहाँ पे आके दिखा। ये वाले पनीर कौन सा है? ये वाला मिर्ची स्प्रिंग रोल दाल पालक पनीर, पनीर तो वो वाला है, पनीर वाला ही खाएगी। रुक जा रुक जा, इनको भी थोड़ा सा खिला दिया है, पनीर मांग रहा था मेरे से पर पनीर है नहीं, तो इसको आलू का ही खिला दिया। खा ले आराम से खा ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इतना डर डर के क्यों खा रहा, वहाँ पे खा पाता था तू है, वहाँ पे खा सकता था, यहाँ पे क्यों खा रही है? आराम से खा ले, बस कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख एक बार, ऐसे हाथ हिला दे, अरे शाबाश, इसको भी बोल छोटी छोटी नहीं, चल चल आराम से खा ले। गाइस, कभी कभी देने का मन करता है पर कभी कभी ऐसा भी होता है, ये लोग हर जगह से हर किसी से मांगता है तो मन नहीं करता है, बट
दे देते हैं यार कभी कभी, जहाँ पे रुकता हूँ तो मैं देने की तो कोशिश करता ही हूँ। चलो यहाँ से करोल बाग जाएंगे, बाकी देखा जाएगा। तो अभी ये शिकंजी वाला को देखिए अभी कितना भीड़ हो गया है। जब हम दूसरी तरफ से गए हैं ज़्यादा भीड़ नहीं था दिन के टाइम पे, अभी शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। ये देखिए कितना भीड़ हो गया, और रास्ते के बिल्कुल यहाँ तक गाड़ी पहुँच गया है खाने के लिए। ये दूसरा मैंने आप लोगों को दिखाया, पहले वाला जो दिखाया था वो उस तरफ था, अभी एक और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये एक और शिकंजी वाला जॉइंट है, टोटल चार में से मैंने तीन दिखाया है आपको। ये देखिए तीसरा वाला भी कितना भीड़ है शाम के टाइम पे। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ होने वाला है। देखिए यहाँ तक गाड़ी का लाइन लगा हुआ है।